हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। सो हम लोग आज इस वीडियो में 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उन सब को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके के नाम से, और एक प्लेलिस्ट होगा लूसेंट हिस्ट्री के नाम से। तो आप वहाँ पर जाएंगे, आपको वहाँ पर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चंस को। 1857 की क्रांति, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, 1856 में अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि पुरानी जो बंदूक थी ब्राउन बैस, उसके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने का निर्णय लिया था। और वो जो नया एनफील्ड राइफल था उससे उसको चलाने के लिए उसको पहले मुंह से खोलना पड़ता था, ठीक है, और उसमें जो कारतूस लगे थे वो चर्बी के बने थे, जो गाय और सूअर की चर्बी थी। और यही चर्बी वाला जो कारतूस था वो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण या प्रमुख जो कारण था वो यही बना था उस टाइम पे, चर्बी वाले कारतूस जो नए राइफल शामिल किए जाने का उन्होंने निर्णय लिया था। तो वही जो चर्बी वाला कारतूस था उसमें गाय और सूअर की चर्बी थी, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लिए धर्म भ्रष्ट करने का काम करती, और इसलिए सैनिकों में ये चीज़ जो है फैलने लगी धीरे धीरे, और यही कारण बना था। तो सबसे पहले जो हुआ था वो 29 मार्च को हुआ था, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो थे वो उन्होंने बैरकपुर में गाय की चर्बी वाला जो कारतूस था उसको मुंह से काटने से मना कर दिया था। और दो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी ह्यूजन और बो, इन दोनों अधिकारियों की हत्या भी कर दी थी। तो फिर उनको उसके बाद फांसी दी गई थी, और उसके बाद ये जो आंदोलन है ये फैल गया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया कि 1857 की जो क्रांति है ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, किस कारण से हुई थी। तो अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो 1857 का विद्रोह ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह है वो मंगल पांडे की घटना के बाद 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से जो है पैदल सैनिकों की टुकड़ी निकली थी 1857 की क्रांति के लिए। तो ये 10 मई जो था, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट, वह पहला सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? तो मंगल पांडे वो पहले भारतीय सिपाही थे जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना किया था, और ज़बरदस्ती करने पर उन्होंने, दो अधिकारी थे ह्यूजन और बो नाम के दो अधिकारी थे, उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद मंगल पांडे को फांसी भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया वो कहाँ, वो संबंधित था? तो मंगल पांडे जो है ये 34वें नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है, ये 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। तो ये याद रखिएगा कि 34वां, ये बिल्कुल याद रखना है आपको एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो 1857 की क्रांति, आपको आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो है पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांति कहलाता है 1857 का क्रांति, जो कि मैक्सिमम जगहों पे जो है ये अलग अलग जगहों पे हुआ था, और अलग अलग नेता राजाओं या फिर जो भी उस टाइम वहाँ के थे उनके नेतृत्व में स्टार्ट हो गया था। लेकिन वैसे तो ये उतना सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इसको एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई का संज्ञा दिया जाता है 1857 की क्रांति को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है व्यापक रूप से फैला था। तो बेगम हजरत महल जो थी ये 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी किस शहर से? तो ये नेतृत्व कर रही थी लखनऊ से।
लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिन था। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब याद रखनी चाहिए 1857 की क्रांति से रिलेटेड, आपको याद हमेशा होनी चाहिए। एक तो मंगल पांडे वाला जो भी पॉइंट है वो, और 1857 की क्रांति स्टार्ट कब हुई थी वो डेट 10 मई 1857 और मेरठ से शुरू हुई थी वो डेट याद रखना है। उस समय गवर्नर कौन थे, गवर्नर का नाम याद रखना है। तो जो जो आता है वो सब मैं आपको बताते चलूँगी। तो ये सब पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए, और आप देख सकते हैं कितने बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस टाइम शासन किसका था, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो 1857 के विद्रोह से ये सारे नेता जुड़े हुए हैं, जिसने सबसे पहला जो बलिदान है वो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। लक्ष्मीबाई भी शहीद हुई थी 1857 की क्रांति में, तात्या टोपे भी शहीद हुए थे, कुंवर सिंह भी शहीद हुए थे, लेकिन मंगल पांडे जो है इन्होंने पहला बलिदान दिया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से सैनिकों का जो नेतृत्व है वो किया गया था तात्या टोपे के द्वारा। ये नाना साहब के सैनिक सलाहकार थे और तात्या टोपे, इन्होंने ही जो है सैनिकों का नेतृत्व, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है सैनिकों का जो नेतृत्व है ये तात्या टोपे ने किया था। ऑप्शन में नाना साहब भी दिया हुआ है लेकिन सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 1857 के विद्रोह की जो शक्ति है इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व वो था हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता जो है ये 1857 के विद्रोह का शक्ति का जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही मिल करके भाग लिया था इस क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, वाराणसी में जन्मी थी ये 19 नवंबर 1828 ईस्वी को, और इनका जो बचपन का नाम था, जो इनका मूल नाम है वो मनी कर्णिका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के क्रांति का विद्रोह किया, क्रांति का समर्थन किया, क्रांति में तटस्थ रहे या देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया? तो देखिए 1857 की जो क्रांति है इसमें जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे ये 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, मतलब ना तो इन्होंने 1857 की क्रांति का समर्थन किया ना ही इसके विरोध थे, मतलब ये तटस्थ रहे, ठीक है। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है और जो सही कथन है वो बताना है। तो कथन देखिए, मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, बिल्कुल सही कथन है ये। दूसरा कथन है कि मंगल पांडे पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, इसका प्रयोग करने से इनकार किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, वो पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने इस राइफल का प्रयोग करने से मना किया था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजिन की गोली मार करके तथा हेफ्टिनेंट बो की तलवार मार करके हत्या कर दी थी। तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूजिन और बो नाम के दो अधिकारियों की इन्होंने हत्या कर दी थी, तो बिल्कुल सही है कथन है ये। और ये कब किया था, 29 मार्च 1857 को इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। दूसरा, चौथा जो कथन है कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई, तो ये कथन भी सही है। तो मंगल पांडे से रिलेटेड जो ये जो चारों कथन दिए हुए हैं ये चारों ही सही हैं। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों कथन सही है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री ब्रिटेन का जो है 1857 की क्रांति के समय कौन था, लॉर्ड पाल्मरस्टन था, और वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे 1857 की क्रांति के टाइम, लॉर्ड पाल्मरस्टन थे, और वायसराय या फिर गवर्नर जो था वो लॉर्ड कैनिन था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विद्रोह का क्षेत्र दिया हुआ है और विद्रोह के नेता हैं उसको मैच करना है। मेरठ, मेरठ से जो है विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे जो नेता थे वो थे कदम सिंह, कदम सिंह जो ये मेरठ से नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। हरियाणा से कर रहे थे राव तुलाराम, बरेली से खान बहादुर खान।
खान नेतृत्व कर रहे थे। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मेरठ से कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से राव तुलाराम और बरेली से खान बहादुर खान। नेक्स्ट है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में जो है किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह जो है ये किया गया था नामधारी सिखों के द्वारा। ये जरूर याद रखिएगा, नामधारी सिखों के द्वारा किया गया था, ठीक है। नामधारी सिख जिनको कूका कहा जाता है, कूका कहा जाता है इनको, नामधारी सिखों को, और इसलिए इस विद्रोह को कूका विद्रोह भी कहते हैं, जिसका नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया था। तो 1857 में, यहाँ पे लिखा 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। तो बिहार से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह कर रहे थे, जिनका देहांत हुआ था। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, मे बी मिसप्रिंट हुआ होगा, क्योंकि ये सारे ही जो ऑप्शन हैं ये सारे गलत हैं। कुंवर सिंह जो है इनका देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को, 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। कुंवर सिंह जो है 23 अप्रैल को जख्मी हो गए थे और उसके 3 दिन के बाद इनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 को। तो यहाँ पे जो भी हैं सारे के ऑप्शन गलत ही हैं। तो कुंवर सिंह के देहांत का डेट याद रखिएगा 26 अप्रैल 1858, ठीक है। नेक्स्ट है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। तो वो कौन सा भारतीय इतिहासकार है जिसने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना, तो वो है आर सी मजूमदार ने जो है 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद फौज का जो नव संगठन हुआ था उससे संबंधित आयोग है पील आयोग। इस आयोग के तहत जो है क्या किया गया था कि सैनिकों में बदलाव किया गया, भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया था। तो ये पील आयोग जो है ये फौज के नव संगठन से संबंधित आयोग। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्ज़ा गालिब ने 1857 की जो क्रांति है इसको देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है ये अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था 1857 के विद्रोह में, और इसके गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का जो है इनाम भी रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा कौन थे। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, जो बिहार से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का, ये जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो 1857 का जो विद्रोह है वो कई कारणों से असफल रहा था, यहाँ जो ऑप्शन है उसके हिसाब से देखते हैं। तो मुख्यतः जो कारण बना 1857 की क्रांति के असफल होने का वो ये था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, कोई केंद्रीय जो संगठन था, कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, कोई योजना नहीं था, सारे लोग अपना अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व करके अलग अलग लड़ रहे थे, ठीक है। तो यही जो है ये सबसे बड़ा कमी था 1857 के विद्रोह के असफल होने का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। तो एक षड्यंत्र की जो संज्ञा है ये जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया है 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्गों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो 1857 के विद्रोह में जिन्होंने भाग नहीं लिया था वो थे साहूकार और जमींदार। जमींदार और साहूकार जो है इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, खेतिहार मजदूर और कृषक इन्होंने भाग लिया था, जबकि साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्य जो है ये बनाया गया था लॉर्ड कैनिन के द्वारा। लॉर्ड कैनिन ही उस टाइम गवर्नर था, तो इसने इलाहाबाद को जो है आपातकालीन मुख्यालय बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह जो 1844 में हुआ था, इसका केंद्र कहाँ पे था? गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर में। नेक्स्ट है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह जो है इसका, बरेली में जो विद्रोह हो रहा था उसके नेता कौन थे? खान बहादुर थे। हमने मैचिंग वाले में देखा था बरेली से कौन नेतृत्व कर रहे थे? खान बहादुर। नेक्स्ट है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे ने भाग लिया है, लक्ष्मीबाई ने भाग लिया, ये जो बहादुर शाह जफर हैं इन्होंने भाग लिया, भगत सिंह उस टाइम नहीं थे 1857 की क्रांति के टाइम, तो इन्होंने भाग नहीं लिया है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो अंग्रेजों से जो संघर्ष किया वो पूछा, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, माखन लाल चतुर्वेदी, ये सब जो है, और भगत सिंह, ये सब तो 1857 की क्रांति के टाइम थे ही नहीं, तो ये कैसे भाग लेते? तो यहाँ पे देखिए, भाग नहीं लिया पूछा था, और यहाँ है कि संघर्ष किसने किया, तीन ऑप्शन ऐसा दे दिया जो नहीं थे। शहादत खान जो है ये, इन्होंने 1857 की में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, शहादत खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 की क्रांति, इसका मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जो है यही मुख्य तत्कालिक कारण बना था, क्योंकि इन्होंने जो नई राइफल शामिल कर दी थी उसकी वजह से सैनिकों को ये पता चला था कि उसमें चर्बी का इस्तेमाल किया गया है जो गाय और सूअर की बनी है, जिसके जो कि उनके धर्म को भ्रष्ट कर सकता था, तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का जो संदेह है ये मुख्य तत्कालिक कारण बना था। नेक्स्ट है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे, इनका मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है वो बताना है। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, जो कि एक ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में था, और जो कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने लिखा है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये जो कथन है कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये आरसी मजुमदार के द्वारा कहा गया है। आरसी मजुमदार के बारे में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि आरसी मजुमदार वो इतिहासकार थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जो है 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना था, तो उसका ही ये कथन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है पहला प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ये न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो आरसी मजुमदार ने कहा था ये। नेक्स्ट है, मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के समसामयिक इतिहासकार कौन कौन है? 1857 के समसामयिक इतिहासकार हैं मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खान और मुईउद्दीन, ये चारों जो है 1857 के समकालीन इतिहासकार हैं। सो ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना करके मार दिया गया? तो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में जिनको अपने मित्र से धोखा मिला था वो थे तात्या टोपे के जो है वो मित्र थे राजा मान सिंह, जो कि अंग्रेजों से मिल गया था और उसने तात्या टोपे के साथ गद्दारी की, और जिसकी वजह से तात्या टोपे को 1859 को सोते हुए पकड़ लिया अंग्रेजों ने, और 15 अप्रैल को इनको मौत की सजा दे दी थी। तो मित्र से धोखा मिला था तात्या टोपे को, और इनका मित्र कौन था? राजा मानसिंह। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो वो क्षेत्र कौन सा था जो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? वो क्षेत्र था चित्तौड़ नहीं था।
बाकी बाकी जो भी क्षेत्र है, झांसी, झांसी जो 1857 के विद्रोह का केंद्र था, यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जो है वो नेतृत्व कर रही थी, जगदीशपुर से कुंवर सिंह कर रहे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी, लेकिन चित्तौड़ जो है ये प्रभावित नहीं था 1857 की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण है। कथन दिया है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ये जो कथन और कारण है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1857 की क्रांति के असफल होने का एक कारण था कि उसका कोई सामाजिक आधार नहीं था, कोई एक सीमित सामाजिक आधार नहीं था, सब अपने अपने जगहों पे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, कोई एक संगठित जो है संगठित होकर के नहीं लड़ रहे थे, कोई सामाजिक आधार नहीं था, तो ये कथन सही है। कारण जो इसका दिया है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, तो ये कारण सही नहीं है। कथन सही है लेकिन कारण जो है ये सही नहीं है। सो ऑप्शन जो है सी, ये राइट हो जाएगा, ए सही है, लेकिन आर जो कथन है कारण है वो गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस संबंध कथन का संबंध है? तो एचिसन ने जो है ये कथन कहा था, एचिसन ने, कि हम इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, इस कथन का संबंध है 1857 की क्रांति से, क्योंकि 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम दोनों ने ही अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था, तो इसीलिए एचिसन ने कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र है और उसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो बताना है। तो देखिए, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह का नाम देख करके पहले जगदीशपुर से कुंवर सिंह कर रहे थे। तात्या टोपे जो है ये कर रहे थे, कहाँ से? तात्या टोपे कर रहे थे ग्वालियर से। कहाँ से कर रहे तात्या टोपे? ग्वालियर से। तात्या टोपे ग्वालियर व कल्पी, यहाँ से तात्या टोपे कर रहे थे इलाहाबाद और बनारस से लियाकत अली कर रहे थे, फैजाबाद से कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। तो देखिए, ग्वालियर और कालपी से जो कर रहे थे तात्या टोपे कर रहे थे, इलाहाबाद और बनारस से लियाकत अली कर रहे थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह कर रहे थे। सो ए का 4 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 1 है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो मेरठ के जो विद्रोह सिपाही हैं ये 10 मई को पैदल निकले थे और ये 12 मई को पहुंचे थे दिल्ली, जहाँ पे इन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को अपना भारत का सम्राट घोषित किया और अपना जो है नेतृत्वकर्ता बनाया था। तो ये पहुंचे कब थे दिल्ली? 12 मई को पहुंचे थे, 2 दिन बाद पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र है और उसके नेतृत्व का बताना है। झांसी से लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी, फतेहपुर से अजीमुल्ला कर रहे थे, मथुरा से देवी सिंह कर रही थी और संभलपुर से सुरेंद्र साई कर रहे थे। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेकिन आपको ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में जो है विद्रोह का सैन्य नेतृत्व जो है ये वक्त खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ दिल्ली से नेतृत्व के कारण आप बहादुर शाह जफर को मत टिक कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे दिल्ली में विद्रोह का जो सैन्य नेतृत्व है ये वक्त खान कर रहे थे। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, विद्रोह का स्थान है और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी हैं, उनसे मैच करना है, कहाँ पे किस अधिकारी ने जो है दमन किया उससे मैच करना है। तो दिल्ली में जो है दमन किया था ये किसके द्वारा किया गया था? निकल्सन और हडसन के द्वारा। निकल्सन जो है इसकी तो मृत्यु भी, हत्या हो गई थी उसमें दिल्ली के दमन का जो श्रेय जाता है ये निकल्सन और हडसन को जाता है, जिसमें निकल्सन जो है इसकी मृत्यु भी हो गई थी। कानपुर और लखनऊ से हैवलॉक और कैंपबेल थे, झांसी और ग्वालियर से ह्यूजन थे, इलाहाबाद से कर्नल नील थे। ठीक है, इलाहाबाद से नील थे, झांसी से ह्यूजन थे, कानपुर और लखनऊ से
हैवलॉक और कैंपबेल थे, दिल्ली से निकल्सन और हैडसन थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए का वन, बी का टू, सी का थ्री और डी का फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का जो श्रेय है वो है टेलर व विंसेंट आयर को, टेलर और विंसेंट आयर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो मैंने आपको बताया कि निकल्सन और हडसन जो है ये दिल्ली से, यहाँ पे बताया था मैंने आपको कि निकल्सन और हडसन ये दिल्ली के दमन का नेतृत्व कर रहे थे ब्रिटिश अधिकारी की तरफ से, सॉरी यहाँ हाँ निकल्सन और हडसन, जिसमें निकल्सन की जो है मृत्यु हो गई थी। तो वही क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी दिल्ली विद्रोह के दमन के दौरान? निकल्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो देखिए, निकल्सन की जो मृत्यु हुई थी ये दिल्ली विद्रोह के दमन के दौरान हुई थी, और हैवलॉक जो है इसकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी लखनऊ के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? तो देखिए, राष्ट्रीय विद्रोह की जो संज्ञा है ये कई इतिहासकार ने दी है, लेकिन यह क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विद्रोह के तुरंत बाद किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी इसको? तो वो थे बेंजामिन डिज़राइली जो है, इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है। 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार हैं और विचारक हैं, तो विचार और विचारक इनको मिलाना है। तो देखिए, सैनिक विद्रोह कहा सर जॉन लॉरेंस ने, राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया बेंजामिन डिज़राइली के द्वारा, और देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी टेलर और आउटरम ने, सामंती विद्रोह कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए का वन, बी का टू, सी का थ्री और डी का फोर। तो याद रखिएगा कि षड्यंत्र की जो संज्ञा है वो टेलर और आउटरम ने दिया, पहला जो राष्ट्रीय विद्रोह है इसकी संज्ञा बेंजामिन डिज़राइली ने दिया था, सैनिक विद्रोह की संज्ञा जो है सर जॉन लॉरेंस ने दिया था, और सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की जो संज्ञा है ये निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो इनमें से दिया है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा वी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो है 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता की संज्ञा दी है। किसने? वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो कि बाद में राष्ट्रीय विद्रोह हो गया? तो किसके मत में 1857 की जो क्रांति है ये आरंभ में तो सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में जो है ये राष्ट्रीय विद्रोह यानी कि एक स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया था? तो ये एस एन सेन इनके द्वारा ये कहा गया कि 1857 की क्रांति जो ये आरंभ में तो सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में ये राष्ट्रीय विद्रोह या फिर स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया था, एस एन सेन। नेक्स्ट है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो 1857 के संदर्भ में ये जो कथन कहा गया कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की एक क्रांति है, ये कहा गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट है, पुस्तक और उसके लेखक हैं उनको मैच करना है। तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 ये कार्ल मार्क्स ने लिखा है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट ये सैयद अहमद खान ने लिखा है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये वी डी सावरकर ने लिखा 1857 ये एस एन सेन ने लिखा है। तो देखिए 1857 जो है ये बुक एस एन सेन के द्वारा लिखी गई, ये बिल्कुल याद रखिएगा आप। 1857
एसएन सेन और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर, ये दोनों बिल्कुल याद रहना चाहिए। उसके बाद द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट है, ये सैयद अहमद खान ने लिखा है, और द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये कार्ल मार्क्स ने लिखा है। तो ये थोड़ा मिलता हुआ है कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, यहाँ इंडियन है यहाँ वॉर है। तो ये दोनों बुक में कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी डी सावरकर ने लिखा है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859, ये कार्ल मार्क्स ने लिखा है। तो दोनों बुक का जो है टाइटल सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पे 57 to 59 है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। नेक्स्ट है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? जातीय आधार पर जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था 1857 के विद्रोह में, वो थे सिख, गोरखा और पठान। सिख, गोरखा और पठान जो है, इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी वो बताना है। तो कश्मीर के शासक, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने सहायता की थी, ग्वालियर के सिंधिया हैं इन्होंने सहायता की थी, मेवाड़ के राजा ने जो ब्रिटिशों की सहायता नहीं की थी। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो देखिए, अधिकतर नेता जो है ये शहीद हो गए थे, और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि किसको जो है बाद में फांसी की सजा दी गई थी। तो तात्या टोपे जो है, इनको 8 अप्रैल को सोते हुए पकड़ा गया था, और 15 अप्रैल, ईयर याद रखिएगा, 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी, 8 अप्रैल को इनको पकड़ा गया था सोते हुए। नाना साहब ये भी जो है शहीद हुए थे, बहादुर शाह जफर, ये भी, इनको तो रंगून भेज दिया गया था, फिर वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह, ये भी शहीद हो गए थे 26 अप्रैल 1858 में ही। तो बाद में जो है इसमें पूछा है कि किसको बाद में फांसी की सजा दी गई थी, तो फांसी की जो सजा ये तात्या टोपे को दी गई थी, क्योंकि ये तो शहीद हो गए थे, ये भी रंगून में गए थे, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, नाना साहब की भी मृत्यु हुई थी। तात्या टोपे जो, इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है, बाद में देने का मतलब है कि पहले पकड़ा गया था इनको 8 अप्रैल को, और फिर बाद में इनको फांसी दी गई थी। तो फांसी की सजा किसको दे दी गई थी? तात्या टोपे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? तो 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादुर शाह जफर को, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल सम्राट थे उस टाइम पे, लेकिन वो काफी बूढ़े हो चुके थे, तो इसकी वजह से उनको एक कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए वो। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को जो है कहाँ पे गिरफ्तार किया था और किसने किया था? तो देखिए, इनको हुमायूं के कब्र के पास गिरफ्तार किया गया था लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जरूर आप ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ गिरफ्तार किया गया था और किसने गिरफ्तार किया था। तो हुमायूं के कब्र के पास वो छुपा हुआ था अपने दो बेटों के साथ, बहादुर शाह द्वितीय, वहीं पे लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार किया था और फिर रंगून भेज दिया था। तो ऑप्शन डी है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो 1857 के विद्रोह को दबाने में, दबाया तो इन सब ने मिलकर था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही वो थी कैंपबेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो 1857 के विद्रोह से जो स्थान अछूता रहा था वो था मद्रास। नेक्स्ट, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरिज ने कहा था, भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है? तो ह्यूरिज ने जो ये कथन है ये कहा था लक्ष्मीबाई के लिए। लक्ष्मीबाई जो है ये 17 जून 1858 को
ह्यूरज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। और ह्यूरज ने ये कथन कहा था लक्ष्मीबाई के बारे में कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। 1857 की जो क्रांति थी उसका चिन्ह निश्चित किया गया था कमल एवं रोटी चपाती, कमल और चपाती जो है ये इसका चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए थे जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान, ये तीनों जो है 1857 का चक्र जब बढ़ने लगा तो ये लोग नेपाल भाग गए, फिर बाद में इनकी मृत्यु वहीं पर हो गई थी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। तो कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान जो है अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचाने का आरोप लगाया है, वो लगाया है जीनत महल पर। जीनत महल जो है बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी है, बहादुर शाह जो जफर थे उनकी पत्नी थी। तो इनके ऊपर कुछ इतिहासकारों ने आरोप लगाया कि वो अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। पद शासकों के आंदोलन है और वर्ष है खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह। उड़ीसा का जो पाइक विद्रोह है ये कब हुआ था, 1804 से 6 में। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह हुआ था 1808 से 9। किट्टूर या मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चिनम्मा का विद्रोह हुआ था 1824 से 29। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह हुआ था 1835। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट है शासकों के आश्रितों का विद्रोह है और वर्ष पता नहीं। रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 व 25-26। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था। सावंतवाड़ी विद्रोह भी 1844 में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारतीय प्रशासन का ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में जो लेने का घोषणा है ये 1 नवंबर 1858 को किया गया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो 1857 की क्रांति के बाद हमने पढ़ा था कि पील आयोग के तहत जो है उन लोगों ने क्या किया था कि भारतीय सेना जो है भारतीय सिपाहियों की संख्या कम कर दी थी और यूरोपियों की बढ़ा दी थी। और भारतीय सिपाहियों में भी जो है चेंजेस लाए थे कि गोरखा सिख जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में, तो इन्होंने क्या किया था कि वहीं से सिपाहियों को ज़्यादा चुना था। गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है सिपाहियों का चयन किया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। लखनऊ में अपना जीवन खोया है किन ब्रिटिश अधिकारियों ने। तो देखिए जनरल जॉन निकल्सन, निकल्सन के बारे में हमने देखा है कि ये दिल्ली विद्रोह में ही मारे गए थे तो ये तो नहीं होंगे। नील हैवलॉक और लॉरेंस, ये तीनों जो है इन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया है। 2, 3 और 4 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा, 2, 3 एंड 4। नील हैवलॉक और लॉरेंस जो है इन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया है, निकल्सन इन्होंने दिल्ली में खोया था। नेक्स्ट है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा है, किस आधुनिक इतिहासकार ने। तो वीडी सावरकर ने, ऑप्शन सी वीडी सावरकर ने जो है 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, ये जो कथन है यही सबसे गलत कथन है। क्योंकि हमने पढ़ा भी था कि शिक्षित जो मध्यम वर्ग थे उन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उसमें भाग ही नहीं लिया था, तो यहाँ है कि समर्थन किया था ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही वाला जो है ऑप्शन गलत है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार है उसके लिए आरसी मजुमदार को बोला गया था लेकिन इसने इनकार कर दिया था। तो फिर एसएन सेन जो है ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार बने थे और इन्होंने 1857 जो है ये बुक लिखा था एसएन सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। मंगल पांडे ये जुड़े थे बैरकपुर,
बैरकपुर से, है ना, बैरकपुर के थे ना ये सिपाही, हमने पढ़ा था अभी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कम से कम लाइक तो कर दीजिए, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली 9 AM पे वीडियो आती है, तो आप लोग प्लीज़ एक्टिव रहा करिए और वीडियो को देखिए, शेयर भी किया कीजिए साथ में। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।